Hey guys, and what is up? You are watching Ace Gamer's Code. It's Abhi aka Prince, and this video is about Call of Duty Mobile Season 6, The Heat. So guys, this video is Undead Siege pe. So Undead Siege new mod aaya hai isme zombies ka, bahut hi amazing mod hai. Isme do type ke mods aa gaye hain. Pehla mod hai casual aur dusra hai hard mod. So hard mod mein zyada amazing rewards hai, kuch epic skins aur characters mil sakte hain agar aap hard mode jeet jate hain. Is video mein aapko kuch tips and tricks dunga kaise hard mode jeeta ja sakta hai. Waise to mostly sab logo ko pata hi hai kaise jeeta jata hai hard mode, but agar aap really 100% surety ke sath chahte hain jeetna hard mode, to ye meri tips point kar lijiye ki jo pehli cheez hai ki aapko jo bhi samne loot dikhai de utha lo, बस उठाते जाओ जितनी भी लूट दिखाई दे रही है. डजंट मैटर आप SMG यूज़ करो या ना करो, आपको एमोज सारी रखनी है, चाहे आपको SMG की एमो मिले या AR की एमो मिले, या अगर शॉटगन की एमो मिलती है तो शॉटगन की एमो भी रख लो. उसके अलावा आपको जो भी लूट्स दिखाई दे, जंक्स दिखाई दे, वो सारे आप अपने पास रखिए, क्योंकि आगे चल के वो जब आप सेंट्री गन्स और टैरेट गन्स अपडेट करेंगे तो उनमें आपके कंज्यूम हो जाएगी. और एक स्ट्रेटजिक अगर प्लान बना के आप लोग खेलोगे तो ये गेम बहुत इजीली जीता जा सकता है, जिसमें आप टास्क डिवाइड कर लो कि एक पर्सन आपका टीम का रिपेयर करता रहेगा टैरेट्स एज वेल एज बेस को, और एक का काम होगा फाइट लेना और एक का काम है जो डिफेंस है वो प्रोवाइड कराना विद नेड्स एंड फ्रैग्स. तो जितना ज़्यादा हो सके आप ग्रेनेड्स, फ्रैग्स और ट्रैप्स और ट्रिप माइन एज वेल एज जो भी आपको थ्रोएबल आइटम मिले लाइक मोलोटोव, वो सब आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास लोड्स रहेगा ना उतना ही आपको सर्वाइव करने में ईजी फील होगा. तो पहले तीन नाइट्स वो तो सिर्फ टोटल पॉइंट्स के लिए है, आप जितना ज़्यादा हो सके उसमें पॉइंट्स अर्न करें ताकि जो फोर्थ और फिफ्थ डे है सॉरी नाइट है उसमें आपको सर्वाइव में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप पहले से ही काफ़ी पॉइंट्स रखते हैं. और उसके अलावा अपने टीममेट्स को सही से टास्क प्रोवाइड कराएं, और यूनिटी रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको एक कोई टीममेट कोई गलत डायरेक्शन में या कोई सोलो खेलना चाहता है तो उससे गेम आपका बिगड़ सकता है, क्योंकि ये गेम अकेले खेलने का नहीं है, इसमें पूरी टीम को एक साथ खेलना पड़ेगा तब जाके ये गेम कंप्लीट होता है. अकेला बंदा बहुत जल्दी मर जाता है. तो उसके बाद जो सेकंड टिप है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टैरेट गन्स को अपडेट करने के बारे में सोचें कि आपको जो भी लूट्स मिल रहे हैं कंज्यूमेबल्स आइटम है उससे आप अपनी टैरेट्स को मैक्सिमम अपग्रेड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा अपग्रेड होगा उतने ज़्यादा वो डैमेज पहुँचाएंगे और उतने कम एनिमीज बेस के अंदर पहुंच पाएंगे. और अगर जो वार्डन्स आते हैं उनको अगर आप बुलेट की जगह अपने रेंज से हिट करेंगे तो डैमेज ज़्यादा मिलती है. आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आप रेंज से डैमेज करोगे तो वो शायद 2 या 3 हिट्स में डाउन हो जाएंगे, और वही अगर आप बुलेट से हिट करने की कोशिश करोगे तो आपके मोस्टली बुलेट्स लग जाएंगे बट उनको इतने डैमेज नहीं पहुँचेगी. तो मेरी ये थर्ड टिप मान लीजिए कि आप नेड्स का और रेंच का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इनको वार्डन्स को अगर आपको मानना है तो आप बुलेट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते क्योंकि ये बुलेट्स बहुत खाते हैं. बुलेट्स छोटे ज़ॉम्बीज और जो नेक्रोमेंसर जो डॉग्स और इग्नाइट्स आते हैं उन पर ज़्यादा काम करती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट मूविंग क्रिएचर होते हैं तो उनको डैमेज करने के लिए बुलेट्स बेस्ट ऑप्शन है. हाँ, वैसे टैरेट्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, और हाँ अगर आपको ज़्यादा सर्वाइव करने में ईजीनेस चाहिए तो अपने जो टैरेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल अपग्रेड करें. उसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके लूट लीजिए, आपको क्रेट्स मिलेगा अलग अलग वेपन के अलग अलग टैरेट्स के, तो उनका यूज़ करें, अपने टैरेट्स को अपग्रेड करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा डैमेज टैरेट्स प्रोवाइड कराएगी उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेगा, और उन पॉइंट्स से आप उतना ही स्ट्रॉन्ग वेपन बाई कर सकते हैं वेंडिंग मशीन से एज वेल एज वेयर हाउस में. आप अपना जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है
वो आप वहाँ पे सेटल कर सकते ताकि आपके टीममेट्स को भी कोई हेल्प चाहिए तो वो वहाँ से रिसोर्सेज यूज़ करे। और हाँ, इसमें कुछ ड्रॉप्स आपको ये होते हैं जिनमें आपको कुछ एपिक वेपन एज वेल एज रिसोर्स मिल सकते हैं जो ज़ॉम्बी सराउंडेड होते हैं। सो उनमें से अगर आप कुछ लूट ले सकते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसमें कुछ आपके लिमिटेड लूट सप्लाई होती है, तो जितना ज़्यादा हो सके पहले अपनी सप्लाई कंप्लीट करें और फिर बाकी रिसोर्सेज आप वेयर हाउस में सेंड कर दें ताकि आपके टीममेट्स को भी कोई अपग्रेड करने में हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प हो जाए। उसके लिए आप दिन में ना व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। दिन में आपको ARV, ORV एज वेल चॉपर और दूसरे व्हीकल भी मिल जाएंगे जिनसे आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, और नाइट में ये व्हीकल्स काम नहीं करते। तो ड्रॉप्स काफ़ी हेल्पफुल है एज वेल एज जो उनके अंदर लूट्स मिलती है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर इसके अलावा आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप डेली टास्क कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें दो डेली टास्क आ रहे हैं। एक है क्रिस्टल तोड़ने वाला जिसमें एक लार्ज एथर क्रिस्टल है जिसको ब्रेक करने पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एपिक लूट मिल सकती है। उसके अलावा एक द बचर टास्क है जिसमें आपको बचर यानी एक बिग मॉन्स्टर टाइप ज़ॉम्बी है उसको किल करना है। उसको किल करने पे आपको कुछ बहुत मिथिक वेपन्स मिल सकते हैं जिसमें आपको स्नाइपर एज वेल एज शॉटगन भी मिल सकती है। मुझे दोनों ही मिली हुई है और एक बार AK भी मिल गई थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज पहुँचाती है। और बाकी नॉर्मल वेपन्स तो आपको मिलते ही रहेंगे। और इसके अलावा इस मोड में आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाई दे जाएगी, जैसे कि आपको कुछ जगह जगह ऐसे छोटे एथर क्रिस्टल्स मिलेंगे जिसमें से आपको एथर एसेंस कलेक्ट करना है। उसके आपको अलग से रिवार्ड्स मिलेंगे। और अलग से रिवार्ड से मेरे को याद आया कि इसका खुद का एक बैटल पास है, ज़ॉम्बी बैटल पास 50 टायर्स का। उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए यानी बैटल पास कंप्लीट करने के लिए एथर कलेक्ट करना है। एथर शार्ड्स जितने ज़्यादा कलेक्ट हो गए उतना ही बैटल पास आगे बढ़ता जाएगा। और लेवल 50 पे जाके आपको मिलेगा टैंक टैम्पसी का टर्नड कैरेक्टर स्किन। सो एज यू कैन सी मैंने कैसे अपनी टैरेट अपग्रेड करी है। और उसके अलावा अभी मेरे पास दो टैरेट और डिप्लॉय करने की पावर है, पर उसके लिए मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए। सो एज यू कैन सी मैं अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ, जैसे कभी नेट्स यूज़ कर लिए, कभी कोई दूसरा थ्रोएबल आइटम यूज़ कर लिया। इससे ना ज़ॉम्बीज की स्पीड स्लो हो जाती है एज वेल एज हमारी टैरेट्स उनको ईजिली एम कर सकती है, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और अगर आप कोशिश करें तो आप ये मोड ईजिली जीत सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो बेस है वो हमेशा फुल रहे, उसकी हेल्थ कभी भी 50% से कम ना हो, क्योंकि लास्ट डे आपको सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट सर्वाइव करना होता है। तो अगर आपके बेस की हेल्थ फुल रहती है तो 3 मिनट में ज़ॉम्बीज़ को मारना और बेस की हेल्थ को बचाना इतना टफ नहीं है, कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेंडिंग मशीन है उसमें आप अपने 5 कस्टमाइज वेपन भी रख सकते हैं जिसके लिए आपको अलग से पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, जिससे आप और ज़्यादा वेपन्स स्ट्रॉन्ग वेपन बाय कर सकते हैं। उनके लिए आपको पॉइंट्स ज़्यादा लगते हैं, बट हाँ स्ट्रॉन्ग वेपन है, फास्ट डैमेज, हाई डैमेज, एक्यूरेसी सब आपके अकॉर्डिंग होगी, तो काफ़ी हेल्पफुल है आपके। और लास्ट डे में मैं तो स्पेशली गोलायत यूज़ करता हूँ। सो एज यू कैन सी ये मोड मैं जीता था, बट ये मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा पिंग इशू बहुत रहता है आजकल। ये शायद इस मोड में इशू है कि गेम लोगों का क्रैश हो रहा है, लैग हो रहा है, तो इस मोड में ये इशू क्यों आ रहा है अभी तक पता नहीं, पर आई थिंक कुछ गेम का ही इशू है। वैसे भी जब से ये अपडेट आया है मैंने देखा है काफ़ी लोगों का गेम क्रैश हो जाता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। आई होप गेम डेवलपर्स इस पर ध्यान देंगे और जल्दी ये ग्लिच या बग जो भी है इसको रिपेयर करेंगे। सो नाउ यू कैन सी हम लोग डेली टास्क कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो डेली टास्क में क्या मिला हमें, हमारा कंट्रोल सेंटर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, सो यहाँ पे हमें और एनर्जी कलेक्ट करनी पड़ती है ताकि
हम अपना रेजोनेटर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें ताकि हम इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड से वापस नॉर्मल वर्ल्ड में जा सकें। तो उसके लिए हमें अलग अलग जगह पर जाकर लूट्स करनी पड़ती है, ड्रॉप्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। और नाउ यू कैन सी हम लोग क्रिस्टल वाले टास्क को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मेरे चारों टीममेट्स बड़े हेल्पफुल और काइंड है, जिन्होंने मेरा ये मिशन कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प करी। सो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एथर क्रिस्टल्स कलेक्ट करने हैं एज वेल एज ड्रॉप्स में से लूट लेनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लूट रहेगी फाइनल डे में सर्वाइव करने में उतनी आसानी होगी। मोस्टली जो टफेस्ट पार्ट है हार्ड मोड का वो है फिफ्थ डे। फिफ्थ डे में ज़ॉम्बीज़ की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। एज यू कैन थिंक कि लास्ट डे में तो एकदम ऐसा ही लगेगा रियली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ही आ गई है। सो स्टिल ज़ॉम्बीज आर अवेलेबल एवरीवेयर, जहाँ पे भी आप जाओगे आपको ज़ॉम्बीज दिखाई देंगे, बट दिन में वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते इजीली, क्योंकि एक तो उनकी क्वांटिटी कम होती है, एक उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और वही नाइट के टाइम में वो बहुत ज़्यादा फास्ट और रेज्ड हो जाते हैं। सो ऑल अराउंड तो यही है ज़ॉम्बी मोड में। उसके अलावा हाँ, एक इसका मेन चीज़ भूल गया मैं कि आपको इस मोड में कुछ स्पेशल कैमोस भी अनलॉक करने का मौका मिल रहा है। अगर आप हार्ड मोड जीत जाते हैं तो आप फर्स्ट टाइम हार्ड मोड जीतने पे आपको अनलॉक करने का मौका मिल जाता है एथर कैमोस। सो एथर कैमोस एक तरह की वॉयलेट इंडिगो कैमो है हर एक वेपन की, जो आपको फर्स्ट फिन करने के बाद अनलॉक हो जाती है, जिससे आप एथर कैमोज अनलॉक कर सकते हैं। एथर कैमोज एक तरह के कैमो ही है, बट एपिक दिखाई देती है, काफ़ी कूल है, एकदम जैसे एथर क्रिस्टल में से दिखाई देती है वैसी होती है। सो गाइस, आई थिंक मैंने सफिशेंटली सब कुछ डिटेल्स दे दिए इस मोड को जीतने में जो हेल्प कर सकते हैं आपके। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो समझ आया मैंने क्या बोला। तो अगर आपको ये मोड जीतना है तो आपको ये सब टिप्स करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लूट एज वेल एज टीम वर्क, जो कि बहुत ज़रूरी है इस मोड के लिए। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप ये मोड जीत जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा अभी तक अगर चैनल पर न्यू नहीं हो तो। और अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई और आप चाहते हैं कि आपके जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बाकी फ्रेंड्स हैं उनको कुछ हेल्प मिले, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि उनको पता चले कि हार्ड मोड कैसे जीता जा सकता है। तो गाइस ये वीडियो मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा पिंग इशू बहुत हाई चल रहा था, बट स्टिल आई सर्वाइव्ड द लास्ट डे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, और आई होप आप चैनल पे अभी भी हो और वीडियो कंप्लीट देख रहे हो। सो गाइस, वीडियो एंड करने से पहले मैं मेरे फ्रेंड का चैनल रिकमेंड करूँगा आप सभी को, जिसका नाम है ई स्पोर्ट्स स्कूल। आई होप आप सब उसके चैनल को विजिट करें, वह गेमिंग के रिगार्डिंग सब न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।